देश में बेरोजगारी का मुद्दा गरमाता जा रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 20 लाख सरकारी नौकरियों का वादा कर दिया है, जबकि राजस्थान में रोजगार का इंतजार कर रहे युवाओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में 1.5 लाख अभ्यर्थी पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड के 5,000 पद नए सृजित किए जाने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता और राव समाज के समाज सेवी अजय सिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार बाबूलाल नागर और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। हम लाइब्रेरी भर्ती को लेकर ये मुख्यमंत्री जी के सलाहकार बाबूलाल नागर साहब से भी मिले थे, मुख्यमंत्री OSD देवराम जी सैनी से भी मिले थे, कैबिनेट मिनिस्टर प्रताप सिंह जी से भी मिले थे, कैबिनेट मिनिस्टर महेश जोशी जी से भी मिले थे, शिक्षा मंत्री BD कल्ला साहब से भी हमारी मुलाकात हुई थी, राज्यपाल साहब को भी हमने ज्ञापन दिया था। हम बार बार में जाके उनसे मिल रहे हैं, उनकी तरफ से पूर्ण रूप से आश्वासन दिया जा रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्षों का मामला है, 17,000 स्कूलें राजस्थान में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक संचालित है अभी वर्तमान में, और 3,000 कुल पोस्टें सृजित हैं, उसमें से 2,200 पदों पर ही कर्मचारी नियुक्त हैं। मसला ये है कि पुस्तकालयों की महत्वता विद्यालयों में बहुत ज़्यादा है, आप लोग सब समझते हो, प्रदेश समझता है पूरा। उनकी बंद स्थिति को देखते हुए और बेरोजगार जो 2 लाख छात्र योग्य पात्र हैं इसके लिए पुस्तकालय के, उनकी नई भर्ती कोई उठा मांग करने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी के कानों तक ये बात पहुंच नहीं रही है। हम बार बार में जाके उनसे मिल रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, आपके माध्यम से हम इतनी सी निवेदन करना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर जो गरीबों के प्रति आकर्षण है उसको देखते हुए, सुशासन को देखते हुए हमारी ये मांग है मुख्यमंत्री जी से कि नई 5,000 पोस्टें सृजित करके इस विभाग का पुस्तकालय अध्यक्षों का मामले को भी कुछ न कुछ आगे किया जाए, जिससे 2 लाख परिवारों में ये मैसेज जाए और सब आपकी राह देख रहे हैं इसकी। जब भी इतने ज़्यादा विद्यार्थियों ने ये कोर्स किया है कि मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी जो सुशासन हमारे प्रदेश के जबरदस्त मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में पहचाने गए हैं, उनसे आशा करते हैं कि ये 5,000 नए पदों की स्वीकृति देके इस बजट सत्र में हमें और इन अभ्यर्थियों को अनुग्रहित करेंगे।